कानपुर शहर के बर्रा क्षेत्र के निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह के विरुद्ध साजिश के तहत 26 नवंबर को कुछ दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा उन्हें विवाद हेतु उकसाया गया, जिसके पश्चात उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा लगाकर उन्हें मानसिक व सामाजिक रूप से परेशान किया गया, जिसके तहत अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह व IPC की धारा 452, 323, 504, 506, 326, 394, 147 के तहत जेल भेजने का षड्यंत्र रचा गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा कुछ धाराओं में होना नहीं पाया गया, जिसके चलते अधिवक्ता को सेम डे बेल पर रिहा किया गया। राजनीतिक रसूख रखने वाले दबंगों द्वारा अधिवक्ता को कुछ चैनलों व अखबारों में दबंग बताकर उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम करने का भी कार्य किया गया, जिसके चलते आज अधिवक्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपने ऊपर हुए अत्याचार की सारी कहानी स्वयं बताई कि किस तरह उन्हें एक षड्यंत्र के तहत सामाजिक रूप से उनकी छवि को खराब किया गया। क्या नाम है? मैं सब बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में रोल। मेरा नाम है शैलेंद्र सिंह, एलियस सूरज सिंह और सूरज सिंह। मैं एडवोकेट पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ और मैं दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड अधिवक्ता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है D/4264/21। क्या वारदात हुई है आपके साथ? वारदात वैसे ऐसा हुआ कि ये 26 तारीख नवंबर का महीना शाम को लगभग समय रहा होगा 5 बजे, मैं आ रहा था लॉर्ड ट्रैफिक कोर्ट से और यहाँ पर मेरी गाड़ी ऐसे आई है, थार गाड़ी है मेरे पास जिसका डायमेंशन क्या है, चौड़ा है थोड़ा सा जी। ठीक है, आप लोग देख पाएंगे पीछे आपके गाड़ियाँ से भी ये रास्ता कितना कंजेस्टेड है, जिसको आप दिखा दीजिएगा जी। जी, तो रास्ता बहुत कंजेस्टेड था जी। और साथ ही हमारे घर के पड़ोस में एक लोगों का कार्यक्रम हो रहा था, तिलक था, हमारी बहन है जी, जी। तो उस वजह से क्या था कि बहुत गाड़ियाँ जो है आना जाना हो रहा था जी। उसी में एक गाड़ी, एक और मेरे जानने वाले थे चूँकि, तो उन्होंने गाड़ी अपनी लाई, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी थी जी। बट ये था हम लोग की अंडरस्टैंडिंग की पास करके निकल जाएंगे, तो उनकी गाड़ी आई थी और चूँकि पीछे गाड़ियाँ हैं तो दो गाड़ी, तीन गाड़ियाँ इस चौड़ाई में और जहाँ की अनऑथराइज चबूतरे बने हुए हैं गाड़ी में, तो ये पॉसिबल नहीं था। गाड़ी उनकी आ करके मेरे से बिल्कुल यूं जी लगभग ही आ गई। ठीक है, कन्फ्यूजन हुआ था हम दोनों के बीच थोड़ा सा, तो उसमें मेरे लिए क्या पॉसिबल नहीं था कि अगर मैं गाड़ी अपनी मूव करता हूँ तो दोनों गाड़ियाँ डैमेज हो जाएंगी अगर सीधी सीधी मूव कर दूँगा। दैट्स वाई इट वॉज वेरी नेसेसरी टू मुझे इस अपने गाड़ी को, क्योंकि पॉसिबिलिटी मेरे पास बची थी कि मैं अपनी गाड़ी को मूव कर सकता था, उनकी गाड़ी ब्लॉक थी। दैट्स वाई मैंने अपनी थार कार को हल्का सा इस तरफ किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि इनका चबूतरा डैमेज हो, कभी नहीं, मैं इनसे कभी मिला दूँगा जी। ठीक है, मैं यहाँ रहता जरूर पर इनसे कोई बातचीत नहीं जी। हल्के से मेरी गाड़ी टर्न हुई है और आप लोग दिखा दीजिएगा, तो टायर मेरा जो है थोड़ा सा उसमें लगा है, एक छोटा सा डैमेज है जिसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। दैट इज आई नो वेयर वेल, मैंने इनसे कहा भी कि देखिए आपका जो डैमेज है मैं उसको देने को तैयार हूँ, या आप अगर अलाउ करें तो मैं अपने मतलब जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करने के लिए तैयार था। पर आई डोंट नो कि प्रीवियस इंटेंशन था इन लोगों का, प्रायर इन लोगों का पूरा इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी, ये बात मुझे बाद में पता चल गई। जिसमें इन्होंने अपने क्या नाम है, एक दो अपने आस पास के लोगों को, वो लोग प्री प्लान्ड माइंडसेट से थे और इसमें नया नया एक बूथ अध्यक्ष बना है, क्या नाम है? का नाम है उसका आशीष तिवारी जी। हम लोग उसको बहुआ बहुआ, छोटा भाई है हमारा, कभी हम जहाँ उससे विवाद नहीं रहा कभी भी, अनाज है जी। और उस मामले में इनके बहकावे में या किसी के उसमें आकर के वो क्या करे, उन्होंने नए नए बूथ अध्यक्ष बने थे, पावर उनके सर पे चढ़ी हुई थी, नए लड़के हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पे मुझे नहीं लगता कि कोई कभी कोई कार्य किया। उन्होंने एक साइकिल की चैन लेकर के आए थे, वो पीछे लिए हुए थे साइकिल की चैन जी। और भाई साहब हमारे जो इसमें वादी हैं जीतू चौहान जी, और वो बिल्कुल एडामेंट थे कि उन्हें लड़ाई ही करनी है और बात बिल्कुल वो उस पर आ गई थी। तो इन्होंने पहला जो मतलब मुझे प्रोवोक किया जी पूरा, और सडनली इन्होंने मुझे मेरे साथ में एक लोग थे तो उनको पीछे की तरफ धकेला, तो धकेलने की वजह से फिर ये हुआ। हमने अपना बचाव करने के लिए हम जैसे ही पीछे हटे तब तक इनके साथ में भूत अध्यक्ष और उनका भाई जिसका नाम रजनीश तिवारी है जी। प्लस ये इन्होंने हम लोगों पर हमला किया जी। उसने साइकिल की चैन से प्रहार किया और मैं अपना बेटा मैं अपना हाथ दिखा दूँ, इसमें स्वेलिंग है अभी भी एंड मैं भी इसमें ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है और मैंने भी हटा रखी पट्टी कि मुझे दिखाना पड़ा। ये हिट की चैन पहले एक ही हिट हुई है, बाद में चैन पकड़ने रोकने के लिए मेरा यहाँ हिट हुआ जिससे मुझे मे भी हेयरलाइन फ्रैक्चर है हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्योंकि इसमें स्वेलिंग बराबर है
मैं मुंह लगा करके तो ऐसा है। उसके बाद ये थाने ये लोग गए हैं और इन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पूरा पहले प्रयास किया। पहले एप्लीकेशन 26 तारीख को ये लोग घटना के बाद सीधे थाने गए हैं जी। और उसके बाद इन्होंने एक एप्लीकेशन दी जिसकी मुझे सूचना मिली जी। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात करी, फोन कॉल लगाया, मैंने अपना परिचय दिया और सर से बताया कि सर मैं भी चोटिल हूँ तो और टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, मैं अपना ट्रीटमेंट करा करके आपसे मिल लेता हूँ। तो उन्होंने खैर उन्होंने सपोर्ट ही किया मुझे, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जब टाइम हो तो आ जाइए। उसके बाद ये FIR जो रजिस्टर्ड हुई है, ये FIR रजिस्टर्ड हुई है उसके ठीक दो दिन बाद 26 तारीख को, समय उसमें 5:39 लिखा हुआ है और इसमें एप्लीकेशन में जो इन्होंने घटना बताई है वो घटना है 26 तारीख की शाम को 5:40 की। ये दो दिन का डिले इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता था जी। बउवा मेरा छोटा भाई है और भाजपा पर मुझे पूरा भरोसा है, बहुत अच्छी पार्टी। मैंने बउवा से कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे थे बउवा जी, और इन्होंने क्या नाम है मैंने बहुत प्रयास किया कि इसमें मामले को यहीं से ख़त्म कर दिया जाए, मैं इसको बढ़ाना नहीं चाहता था जी। मैं नहीं चाहता हूँ उस बच्चे का करियर बिल्कुल शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, और वो साजिश का शिकार हुए हैं। उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, उसके बाद ये FIR रजिस्टर्ड हुई है, क्राइम नंबर 759 में भी 759/22 है, FIR की कॉपी मैं आपको दे दूँगा। और प्राइमा फेसी मतलब FIR इतनी उसमें लेकुनास थे कि प्राइमा फेसी कोर्ट ने भी इसको कंसिडर किया जब मुझे अरेस्ट किया गया जी। और अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ने पहली बात तो मेरी चालान जो भेजा गया तो रिमांड में इन्होंने डकैती वगैरह लिखा दी थी, बोले 2400 रुपये मैंने लूट लिए हैं जी। क्योंकि बिल्कुल ही प्राइमा फेसी कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा कि ये बिल्कुल ही गलत है मामला। इसके बाद इन्होंने पता नहीं कैसे इन्होंने बताया कि इनका दांत मतलब बूथ अध्यक्ष का दांत टूट गया, क्योंकि बहुत लोग आ गए थे फिर हम लोगों पर हमला करने के लिए, तो मैं भी धक्का मुक्की में कहीं गिरे हो या टूट गया हो, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद इन्होंने 326 डिसफिगरेशन में भी लिखाई और FIR में को देखते हुए मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उन्होंने ये देखा कि 326 नहीं बनती है तो उसे कन्वर्ट किया गया 325 में जी, और 394 हटाई गई है जी। इसके अलावा जो धाराएं हैं वो बेलेबल थी जी, तो दैट्स वाई मुझे सेम डे बेल दी गई है, तब मैं बेल लेकर के और अभी रिलीज हूँ। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आपका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य मैं दो तीन चीजें एक बताना चाहता हूँ कि देखिए पहली बात तो कभी भी छोटी छोटी बातों को अपना ईगो इतना बड़ा नहीं करना चाहिए जी। और खास करके जब आपके सामने कोई छोटा है आपसे उम्र में तो ट्राई करना चाहिए कि जितना संभव हो लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई और झगड़ा अंतिम विकल्प होता है जी, जी, ठीक है मेरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मीडिया हाउसेस ने मुझे कुछ मीडिया हाउसेस ने वो भी इन्हीं लोगों के उसमें इन्फ्लुएंस में उन्होंने मुझे थोड़ा सा गुंडा बदमाश वगैरह बताया है जी। और जो भी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, शांतिप्रिय आदमी हूँ, मैंने आज तक मेरा कोई नहीं कोई मुकदमा है ना ही मेरी किसी से लड़ाई, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी इमेज को भी, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत परेशान है, मेरी माता बेचारी रो रो के जी जी।